नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के एक और दमदार वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि वीडियो से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजाज फिनसर्व की। लगातार 3 से 4 सेशन में एक कंसोलिडेटेड रेंज में चल रहा था। कल इसने रेंज तोड़ने की कोशिश करी है लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया है। अब मंडे की जो ओपनिंग होगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी इस स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, क्योंकि यदि कल ये 8430 के नीचे खुलता है तो ये हमें 8000 के लेवल जल्दी दिखा देगा। तो दोस्तों, जब भी आप इस तरह की कोई नैरो रेंज देखें, वो नैरो रेंज कहीं भी टूटे तो उस साइड में हमें ट्रेड लेने में हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो होता है वो फेवरेबल होता है। जैसे कि इसने जो तेज़ी है वो तेज़ी एक दिन में इसने ख़त्म कर दिया, यानी कि बेयरिश इंगल्फिंग कर लिया है इसने, ठीक है। सारी तेज़ी खा चुका है, ये इंगल्फ कर गया है सारी तेज़ी को। अब कल के लिए जो हमारी ओपनिंग होगी, यानी कि मंडी को जब भी मार्केट खुलेगा, तो अगर ये इसके नीचे ही खुलता है, जैसे इसने जो क्लोजिंग दी उस क्लोजिंग के नीचे खुलता है, प्रीवियस डे का जो क्लोज होता है उसके नीचे खुले रहा है ये, तो हम इसमें शॉर्ट्स बनाकर पैसे कमाने के मौके देख सकते हैं, ठीक है। और उस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। जैसे 8450 का आप स्टॉप लॉस लगा के सेल के लिए पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, यदि आप इस कंटेंट से कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं।